तिरुपति में भगवान बालाजी या फिर यूं कहें कि स्वामी वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के कोने कोने से लोग भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए तिरुपति जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शिव की नगरी काशी में भी भगवान वेंकटेश्वर भगवान बालाजी का भी मंदिर है जो कि राजघाट के समीप है। तो अधिकतर लोगों को तो ये बात पता नहीं थी कि उनके अपने ही काशी उनके अपने ही बनारस में भगवान बालाजी विराजमान हैं। तिरुपति स्वामी बालाजी के मंदिर प्रांगण में हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बालाजी हैं विराजमान, साथ ही उनके साथ कृष्ण जी हैं, श्री देवी हैं और भू देवी हैं, उसके साथ ही रामानुज हैं शेषावतार में और उसके साथ ही शालिग्राम का भी दर्शन आप यहां पे कर सकते हैं। ये है गरुड़ स्तंभ, भगवान विष्णु की सवारी बोली जाती है भगवान गरुड़ को। और यहां पे आप अगर गरुड़ स्तंभ के अंदर देखेंगे तो यहां पे साक्षात भगवान गरुड़ विराजमान है और साथ ही साथ संकट मोचन हनुमान भी है जो भक्तों का संकट हर लेते हैं। स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है, उसी के दाएं साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान राम हैं, साथ ही साथ यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं, उनके साथ माता सीता भी हैं। और अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री राम यहाँ पे तीर और धनुष लिए हुए हैं। अगर कहीं भी आप देखेंगे तो भगवान श्री राम आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं आशीर्वाद मुद्रा में। लेकिन यहाँ पे नज़ारा कुछ और ही है, यहाँ पे भगवान श्री राम तीर धनुष के साथ दर्शन देते हैं श्रद्धालुओं को। स्वागत है, अपना नाम बताइए। दिलीप कुमार पांडे। तिरुपति बालाजी का मंदिर काशी में और कहाँ पे है? और मेरी जानकारी में ऐसी प्रतिमा बनारस में कहीं पे नहीं है, एकमात्र यहीं पे है। रामानुज संप्रदाय के मंदिर ही कम है बनारस में, लेकिन दो चार मंदिर हैं, लेकिन ये प्रतिमा ऐसी प्रतिमा केवल यहीं पर स्थापित है और कहीं पर नहीं है। बालाजी के अलावा यहाँ पे और किनका दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं? बालाजी के अलावा यहाँ पर बगल में रामानुज स्वामी जी का मंदिर है और इधर पे राम दरबार का मंदिर है और पीछे आप जाएंगे तो हनुमान जी भी स्थापित हैं। कुल मिला के चार मंदिर स्थापित हैं यहाँ। भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है और मंदिर प्रांगण में एक पुजारी लगातार भगवान की सेवा में खुद को समर्पित कर देता है। आइए मिलते हैं उस बालक से, उस पुजारी से। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभय कुमार दुबे है। आप कितने सालों से भगवान को भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान के प्रति खुद को समर्पित कर दिया है? हम एक साल से पूजा कर रहे हैं भगवान की। यहाँ वेंकटेश भगवान है और बगल में रामानुज स्वामी जी हैं और बगल में राम भगवान के मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता जी हैं और पीछे मेरे हनुमान जी हैं और हम पूजा कर रहे हैं सबके, एक साल हो गए हैं। तो आप विशेष प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी गई होगी आपको मंदिर की पूजा करने के लिए यहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर की? हाँ, त्रिपुरा भैरवी दशा सुमित घाट में स्वामी जी रहते थे तो वहीं से हम दीक्षा लिए हैं और फिर वहीं का यहाँ मंदिर है तो यहीं हम पूजा पाठ करते हैं। आपको जब सबसे पहले पता चला कि आपको भगवान वेंकटेश्वर का रोजाना इस तरीके से उनको भोग लगाना होगा, उनका आरती करना होगा, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कि भगवान के दर्शन में, भगवान के मंदिर में आ गए हैं तो अब भगवान के मंदिर में पूजा तूजा करेंगे। तो आप लगातार अभी एक सालों से भगवान तिरुपति जी का दर्शन कर रहे हैं, उनका पूजन करवा रहे हैं जी। तो आप ये बताइए कि इसके अलावा और क्या क्या भगवान को चढ़ावा चढ़ता है और कितनी संख्या में और विशेषकर किस महीने में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? कभी मिश्री चढ़ते हैं, कभी पेड़ा चढ़ते हैं, कभी बर्फी आ जाता है और रोज इसी तरह चलते रहता है। और मंदिर को लेके क्या मान्यता है, किसके द्वारा इसे स्थापित की गई थी? रामानुज स्वामी जी। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 150 साल पहले स्थापित की गई इस मंदिर की स्थिति क्या है और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं भगवान बालाजी का। राजघाट के समीप स्थित कोहनिया पलंग शहीद में ये तोतादरी मठ स्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊंचा शिखर है मंदिर का, इसे मंदिर के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित किया गया है ताकि जो यहाँ से जाने वाले पर्यटक हैं या फिर श्रद्धालु हैं वो इस शिखर को देखकर आकर्षित हो और उन्हें पता चल सके कि यहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर भगवान बालाजी का मंदिर स्थित है।
तो आज हमने रूबरू करवाया आपको राजघाट स्थित तोतात्री मठ में बालाजी के मंदिर के रहस्यों से। यहाँ पे पुजारी ने बताया कि भगवान बालाजी को लेकर किस तरीके की मान्यताएं श्रद्धालुओं के बीच में है, और एक खास प्रथा के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे प्रतिवर्ष सावन के महीने में हर साल भगवान श्री कृष्ण के साथ ही साथ भूदेवी और श्री देवी को झूला झुलाने की प्रथा है। यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें कि इनको झूला झुलाया जाता है भगवान। आगे हम और भी रहस्यमय चीजों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, खासकर बनारस की चीजों से। रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्रहरी के साथ, नमस्कार।